जानकारी देने के लिए, जो बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है, ये कहें कि बहुत कुछ इस बैठक के बाद देखने को मिलेगा। देखिए महत्वपूर्ण बैठक, पहले तो इस बैठक को दो विषयों से जोड़ के देखा जा रहा है। पहला जो स्पष्ट तौर पर है, जो ज्ञान तौर पर है कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन उपचुनावों की स्थिति को लेकर, कैडर को मोटिवेट करने को लेकर, दूसरे मुद्दे को लेकर। लेकिन एक कयासबाजी, पतंगबाजी जो लगातार सोशल मीडिया पर लगातार लगाई जा रही है कि केशव मौर्य जो दिल्ली गए, जो संगठन और सरकार के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है, जो कार्यकर्ताओं के डिसमोरल को लेकर है, तमाम मुद्दों को लेकर है, इन सब विषयों को लेकर बातचीत को लेकर जो है, इसको लेकर कल के दिन रिपब्लिक भारत में शशि कपूर ने जो खबर चलाई, जो जानकारी दी, उसके बाद से स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि ये जो बैठक है। फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, अब से कुछ देर में तमाम मंत्री पहुंचेंगे। कयासबाजी तमाम तरीके की केशव मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी के दिल्ली जाने के बाद लगाई गई, लेकिन रिपब्लिक ने खबर चलाकर स्पष्ट कर दिया कि ये सब पतंगबाजी कयासबाजी है। मुख्यमंत्री मजबूत है, मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया गया है और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उन उपचुनावों में भी क्या कुछ स्थिति रहेगी, इस बारे में रणनीति बनाने के लिए, फैसला लेने के लिए आज की मंत्रियों के संग एक मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है, जिसमें ये चर्चा की जाएगी कि क्या उपचुनावों को लेकर स्थितियां रहेंगी, सरकार के फैसले को लेकर रहेंगी। ये बैठक है, अब से कुछ देर में मंत्रियों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लगातार तब जब से राज्य के कार्यकारिणी की बैठक हुई है, कई सारी अफवाहें, कई सारी कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन इन सब बातों के बीच में जो महत्वपूर्ण खबर कल के दिन रिपब्लिक भारत पर बताई गई, जानकारी दी गई, उसके बाद स्थिति अब लगभग साफ हो गई है। तमाम जो मंत्री हैं वो इस विषय पर लेकर, उस खबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कैबिनेट में भी अब जो है, अब से कुछ देर में मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अजय, राघवेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि इस बैठक के पहले ये क्लैरिटी हो जाए कि बॉस कौन, बॉस योगी आदित्यनाथ, ये बिल्कुल क्लियर है। और कई मायनों में ये कहें कि एक तरह से वो मंथन होगा जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर सीटें कम हुई, लेकिन उपचुनावों में एक अच्छा प्रदर्शन रहे, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक। जी देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक बुलाई गई है। 11 बजे बैठक शुरू होगी। कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर के या और भी तमाम जो रणनीतियां हैं, साथ ही जो इस समय खुशी नाखुशी की बात हो रही है, तमाम मंत्री लगातार खुल के बोल रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है, इन तमाम विषयों पर आज बैठक होगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय नेतृत्व से निर्देश मिला है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हमने आपको फ्री हैंड दिया है, तो सबको संभाल के चलिए, सबको सम्मान दे के चलिए, कैसे आगे बढ़ना है आप करिए। चूंकि पार्टी को पता है कि अगर आपस में जिस तरह से कलह की बातें निकल कर आ रही हैं, अगर ये आगे इसे चलता रहा तो जो लोकसभा में ये रिजल्ट आया है अभी उत्तर प्रदेश में, किसी को उम्मीद नहीं थी, यानी भाजपा को NDA के लोगों की उम्मीद नहीं थी जो रिजल्ट आया है, तो ये ऐसे ही नतीजा आगे भी आ सकता है अगर आपस में अगर इसको संभाला नहीं किया, यानी कि जो लीक है अगर उसको भरा नहीं गया तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही आगामी जो और विधानसभा का चुनाव है उसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को दी गई है। तो इसलिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर चलें, सबकी बातें सुने, इन तमाम चीजों को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। अब देखिए बैठक के बाद कुछ ही देर में बैठक होगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है उससे भी जुड़े अपडेट आपसे लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जिस तरह से सियासी खबरें उड़ रही थी, अटकलें निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कल जब केशव प्रसाद मौर्य ने JP नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद सरकार और संगठन को लेकर के जो भी एक तरह से कई असमंजस था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसके बाद एक बात बिल्कुल क्लियर है, UP में बॉस योगी ही है, 2027 में उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो अभी तक सियासी गलियारों से खबर निकलकर सामने आई। यूपी में योगी ही बॉस। जी हां, यूपी में योगी ही बीजेपी के बॉस हैं और उनके नेतृत्व में ही 27 के विधानसभा चुनाव में बंपर जीत की तैयारी है। योगी के दमखम पर, उनके उपलब्धियों पर, उनके स्वीकार्यता पर बीजेपी आलाकमान को भरोसा है और केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के साथ
कल दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूत्रों के मुताबिक ये साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनकी स्वीकार्यता भी सबसे अधिक है। यानी यूपी में सीएम के चेहरे में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई विचार कर रहा है। बीते दिनों लखनऊ में चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे थे। एक तरफ सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास को चुनाव परिणामों से जोड़ा था, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार में दूरियों की तरफ इशारा किया था, कार्यकर्ताओं में निराशा और दर्द की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है, और अगर यहां पर कहीं भी कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे सियासी गलियारों में यूपी में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थीं और चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान जेल से बाहर आकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर किस तरह भ्रम फैलाया था। आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे थे और चुनाव के बाद योगी को हटाने को लेकर बयान दिए जा रहे थे। संविधान बदलने से लेकर योगी को हटाने तक की बातें चुनाव प्रचार के दौरान उछाली गई और नतीजों में बीजेपी को यूपी में झटका लगा। इंडी गठबंधन ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती और फिर समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। कुछ बीजेपी नेताओं ने सरकार और संगठन में तालमेल की कमियों की तरफ इशारा किया, तो वही मंत्री संजय निषाद ने तो अधिकारियों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, देखिए 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल, हम तो पहले से कह रहे हैं। ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन दिल्ली में